नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। राज्य में जो कोरोना का रफ्तार है वो अब कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कोरोना के केसेस हैं वो हजारों की संख्या में पाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आज अपडेट जारी किया गया है उसके मुताबिक राज्य में जो कोरोना के टोटल केसेस हैं वो 1155 है, जिसमें आज फिर से पटना एक बार सबसे पहले पायदान पर है। वहीं दूसरे पायदान पर ईस्ट चंपारण और तीसरे पायदान पर पूर्णिया है। आपको बता दें कि पटना में आज जो केसेस मिले हैं वो 234 है और ईस्ट चंपारण में 68 और पूर्णिया में 52 केसेस मिले हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया है उसमें क्या कुछ मरीज पाए गए हैं जिले बाय जिले। तो जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया है उसमें जो कोरोना के टोटल केसेस हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो 1155 है। वहीं अब हम बात करते हैं बिहार के जो अन्य जिले हैं वहाँ से कितने मरीज पाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर अररिया जो 30, अरवल में 3, औरंगाबाद में 21, बांका में 16, बेगूसराय में 6, भागलपुर में 37, बक्सर में 9, भोजपुर में 18, ईस्ट चंपारण में 68, वहीं गया में 43, गोपालगंज में 1, जमुई में 20, जहानाबाद में 13, कैमूर में 16, कटिहार में 70, खगड़िया में 3, लखीसराय में 35, मधेपुरा में 36, मधुबनी में 15, मुंगेर में 17, मुजफ्फरपुर में 71, नालंदा में 34, नवादा 18, रोहतास 23, सहरसा 23, समस्तीपुर 24, सारण 25, शेखपुरा 6, सीतामढ़ी 20, सिवान 10, वैशाली 29, वेस्ट चंपारण 11। तो ये था जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया था, जिसमें हमने आपको बताया कि किस जिले से कितने मरीज पाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार में टोटल एक्टिव केसेस जो हैं वो 12,539 हैं। वहीं अगर बिहार में टोटल केस की बात कर ले तो 1,93,000 से पार पहुंच चुका है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि बिहार ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। दरअसल बिहार में जो रिकवरी रेट था वो 93.72 पहुँच चुका है, जो कि किसी अन्य राज्य से ज़्यादा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।